जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम पानी उबालेंगे, पानी में हम डाल देंगे तेल। तेल डालने से पास्ता चिपकता नहीं है। अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच नमक। नमक डालकर हम मिला देंगे। अब इसे एक उबाल आने तक छोड़ देंगे। अब एक उबाल आ चुका है इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता। पास्ता डालकर चला लेंगे इसे। अब पकने के लिए ढककर हम इसे रख देंगे। जब तक पास्ता रेडी हो रहा है, तब तक यहाँ पे हम उसका ग्रेवी तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में मैं डालूँगी तेल। तेल को हीट होने के बाद इसमें हम डाल देंगे कूटा हुआ लहसुन। लहसुन को हल्का सा भून लेंगे हम। भूनने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज डाल दें, प्याज इसे हम हल्का ही भूनेंगे, लाल नहीं करेंगे। यहाँ पे पास्ता रेडी हो चुका है, इसे हम छानकर छन्नी में हम साइड कर देंगे। अब यहाँ प्याज में हम डाल देंगे हरा मिर्च। हरा मिर्च हमने यहाँ पे लंबा लंबा काटा है। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर, टमाटर बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स एक चम्मच डालेंगे। इसे डालकर मिला लेंगे हम अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक हम डालेंगे थोड़ा कम, थी पास्ता में भी डाला हुआ है। अब इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता सीजनिंग, इसे फ्लेवर अच्छा आता है। अब इसे डालकर मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी। अब इसे मिला लेंगे हम। अब इसमें हम डाल देंगे दो चम्मच पास्ता सॉस। आपके पास है तो डालें, नहीं है तो नॉर्मल सॉस भी डालें। अब इसमें हम डालेंगे नॉर्मल सॉस भी। अब इसमें टमाटर सॉस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता, अब इसे डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ऊपर से पास्ता सीजनिंग और थोड़ी सी डालेंगे इसमें, इससे और अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब इसे डालकर मिला लेंगे। इसमें हम हल्का सा टमाटर सॉस भी डालेंगे ऊपर से। अब इसे टमाटर सॉस डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है पास्ता। अब इसे हम निकालकर एक प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। कलर इसका बहुत ही अच्छा आया है। अब इसमें हम धनिया पत्ती डालकर गार्निश करेंगे, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो, हम इसमें अंडे भी डालेंगे, गार्निश करेंगे, और चीज़ भी इसमें डाल सकते हैं आपके पास है तो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी? पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।